मलक साहब यहाँ पर आए मेहमान, अदर डिपार्टमेंट के साथी बुजुर्गों और महिला भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सरपंच साहबान, हमारे कुलीग्स जो है पंची साहबान। सबसे पहले हमारे जो मलक साहब हैं, बड़ी अच्छी तरीके से पुंछ के वाकफ हैं ये, और जोर पंचायत के अंदर वेलकम करता हूं। आज बैक टू विलेज का दूसरा दिन है, यहां पर हमारे मलक साहब पहुंचे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि इनसे बहुत कुछ पंचायती लेवल पर हमें सीखने को मिला, बहुत ही नई बातें हमने सीखी। अदर डिपार्टमेंट के लोग यहां पर आए, कुछ उन्होंने अपनी स्कीमें बताई। एक बात मैं जरूर कहूंगा, कुछ डिपार्टमेंट जैसे फ्लड कंट्रोल, R&B या PWD वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं, बड़ा दुख है हमें, उन लोगों को भी यहां पर आना चाहिए था। साथ ही आज हमारा जो अजोट हाई स्कूल है, कल साहब ने वहां पर भी विजिट की, बड़ा अच्छा लगा। और ओवरऑल मैं समझता हूं कि बैक टू विलेज से हमारी पंचायत को और जम्मू कश्मीर के अंदर विलेज 4 यहां पर शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है। मैं समझता हूं कि पिछले साल कोरोना जोन चल रहा था, वो अगर ना होता तो बैक टू विलेज का बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को मिलता। आज फिर शुरू हुआ है तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि बैक टू विलेज फिर से शुरू हुआ है और लोगों को इसका जो है बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ अजोट पंचायत के अंदर हमारे हारून मलक साहब जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझाया है। यहाँ अफसर साहिबान भी पहुँचे हैं, अदर डिपार्टमेंट के लोग भी पहुँचे हैं, तो बहुत ही हमें अच्छा लगा कि हमारी भी सुनाई जो है इस वक्त जो है हुई है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, उन्होंने ये फिर बैक टू विलेज शुरू करके मैं समझता हूँ लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है मेहरबानी की है, इससे लोगों की भलाई होगी और लोगों का बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होगा। देखिए ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर लोगों को बहुत सी परेशानियाँ रहती हैं। इसमें देखिए आप, ये जो हमारा एक यहाँ पुल बना था, इस पुल के अंदर मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से पुल बना हुआ है, तो इसमें जो ब्लैक टैपिंग होती है, पिछले आप 1.5 साल से देखें तो 3-4 बार इस पर ब्लैक टैपिंग हो चुकी है, तो वो हर वक्त जो है वो टूटा ही रहता है, ख़राब ही रहता है। इस वक्त फिर उन्होंने ब्लैक टैपिंग की है, मैं नहीं समझता कि वो कोई किसी का भला। और यहाँ देखें PWD का मसला, ये रोड का मसला है, ये जो रोड जो है यहाँ से जो धगवा तो की ओर जाती है, ये बतार नाला जोर से होकर इस क्राइस्ट स्कूल आगे, इस लोग रोड की इतनी बद से बदतर हालात है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है लोगों के लिए दिक्कत रहती है, तो ये ऐसे और भी मसले हैं यहाँ। चलो पानी का मसला है, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर के एरिए में लोगों को हर तरीके की दिक्कत होती है, लोगों को बड़ा चुकन्ना होकर रहना पड़ता है, कब जो है कहीं से कोई शरारत हो जाए, मिलिटेंसी का दौर है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, तो थोड़ा सा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लोगों को थोड़ी राहत मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है।